जय भीम साथियों, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने बाबा साहेब के सम्मान में अपनी वेबसाइट पर एक ऑनलाइन प्रदर्शनी एडुकेट एजुटेट ऑर्गेनाइज के नाम से शुरू करी है, जिसमें वो तमाम दस्तावेज हैं बाबा साहेब के जब वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे। ये प्रदर्शनी लंदन स्कूल में पढ़ी उनकी स्टूडेंट फाइल पर आधारित है। अम्बेडकर वादियों के लिए आज एक और गर्व का क्षण है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का कहना है कि ऑनलाइन प्रदर्शनी अंबेडकर के जीवन और विरासत से प्रेरित एलएससी में दस्तावेजों और गतिविधियों को एक साथ लाने के रूप में काम करेगी। समय के साथ हम इसमें घटनाओं, पठन सूचियों, पॉडकास्ट और अन्य रिकॉर्डिंग्स यहाँ जोड़ देंगे और एलएससी समुदाय को आमंत्रित करेंगे कि अपना योगदान दे ऐसे मटेरियल के साथ जिससे पता लगे कि अंबेडकर हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। तो चलिए प्रदर्शनी की एक सैर करा देते हैं आपको हम इस वीडियो में। बाबा साहेब पहली बार एलएससी में 1916 में आए थे जब वे 25 वर्ष के थे। लंदन पहुंचने के तुरंत बाद उन्होंने एलएससी में मास्टर डिग्री के लिए पंजीकरण कराया। उसी समय ग्रे इन में बारट लॉ की डिग्री के लिए नामांकन भी किया। एक वाक्य कुछ ऐसा है उस दौर का कि प्रथम विश्व युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। लंदन में उनके आगमन पर अंबेडकर के कपड़े, किताबें और सामान की ब्रिटिश गुप्त पुलिस अधिकारियों ने बारीकी सी तलाश करी, ये सोचकर कि वो भारतीय क्रांतिकारी पार्टी से संबंधित है। तो अब आप स्क्रीन पर देखिए, ये बाबा साहेब का एलएससी में मास्टर्स के लिए आवेदन पत्र है, एप्लीकेशन फॉर्म है। उनका एलएससी आवेदन पत्र पाठ्यक्रम की लागत 10 पाउंड और 10 शिलिंग दिखाता है, और ये कि वो शुरू में लंदन के 21 क्रॉमवेल रोड पर रहे थे, जो कि भारतीय छात्रों की मदद करने के लिए भारत कार्यालय द्वारा किराए पर एक घर लिया हुआ था, जब भारत के छात्र पहली बार उस समय लंदन जाते थे। उन्होंने भूगोल, राजनीतिक विचार, सामाजिक विकास और सामाजिक सिद्धांत में पढ़ाई करी। ये देख रहे हैं आप, एक प्रशासन प्रपत्र है जो इन पाठ्यक्रमों में उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति को दर्शाता है। उनके शिक्षकों में प्रोफेसर लियोनार्ड हॉबहाउस और सर हेल्फोर्ड मिकैंडेरे शामिल थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की शुरुआत 1895 में हुई थी। अभी इस संस्थान को केवल 21 साल ही हुए थे जब यहाँ पूरे विश्व से छात्र पढ़ने आते थे। इसी दौर में बाबा साहेब भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने गए थे, बतौर कह सकते हैं शायद पहले भारतीय ही थे। हालांकि एलएससी अभिलेखागार में यहाँ उनके समय की कोई तस्वीर नहीं दिखी, पर आप स्क्रीन पर एक इमेज देख रहे हैं, उसमें बाबा साहेब दिख रहे हैं आपको, सर्कल किया हुआ है हमने, लेकिन इसका स्रोत पाया नहीं गया। ये एग्जीबिशन में शामिल है, पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वाले भी इसकी सोर्स को ढूंढ रहे हैं। एलएससी में बाबा साहेब की पढ़ाई में बाधा तब आई जब उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी। उन्हें भारत लौटना पड़ा क्योंकि वो बड़ौदा के राज्य की सेवा करने के लिए बाध्य थे। बहुत ही मुश्किल स्थिति में वो भारत वापस आए। पहला विश्व युद्ध अपने चरम सीमा पर था। बाबा साहेब तो सुरक्षित रूप से वापस आ गए, पर उनकी किताबें और सामान जो दूसरी नाव में थे उस पर हमला हुआ और वो डूब गए। भारत में वो अंततः सिडनहम कॉलेज में प्रोफेसर बन गए। उन्होंने कोल्हापुर के महाराजा से कुछ वित्तीय मदद के साथ लंदन में अपनी पढ़ाई पर लौटने के लिए पर्याप्त धन बचा लिया। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपने पिछले शिक्षकों को पत्र लिखकर लंदन स्कूल में वापस प्रवेश करने के लिए मदद की अपील करी। अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शिक्षकों ने बाबा साहेब पर लिखा कि वो न केवल बहुत सक्षम है बल्कि एक बहुत ही सुखद साथी हैं। उन्होंने फिर से शोध करने की इजाज़त दी जाए। लंदन स्कूल के प्रोफेसर हर्बर्ट फॉक्सवेल ने बाबा साहेब की पहली डॉक्टर की उपाधि पूरी करने का जिक्र करते हुए पहले तो ये लिखा कि उनके जीतने के लिए कोई और दुनिया नहीं बची अब। फिर भी बाबा साहेब की भर्ती हो गई 1920 में। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद वो दूसरी बार एलएससी में पढ़ने वापस लौट आए।
अब कुछ ऐसे दस्तावेज भी हैं इस प्रदर्शनी में जिनसे हम सब रिलेट कर सकते हैं, जैसे हम सभी को यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ डील करना पड़ा था अपने टाइम पे, या अभी आप छात्र हैं तो डील कर रहे होंगे, तो जो मुश्किलें सामना करनी पड़ती हैं कई बार, जिसे ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप भी कहते हैं, वैसे लंदन स्कूल में भी बाबा साहेब और प्रशासन के बीच कई खत लिखे, कई कम्युनिकेशन हुई, वो भी इस प्रदर्शनी में शामिल है। और दूसरी बार जब बाबा साहेब लंदन स्कूल में आए तब पैसे की काफ़ी कमी महसूस हुई उन्हें, वो पैसे बचाने के लिए लगातार पढ़ाई करते और खाना कम खाते। इस दौरान जिस घर में बाबा साहेब रहे थे, ये 19 जून 1921 की फोटो है जिसे महाराष्ट्र सरकार ने 2015 में खरीद कर उसे एक म्यूजियम का रूप दे दिया। अब म्यूजियम बनाने में भी बहुत दिक्कत आई थी, पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रशासन ने बाबा साहेब के महत्व को उजागर करते हुए वहाँ की सरकारी एजेंसियों को कई खत लिखकर उनका विश्वास जीत लिया, उन्हें मना लिया। आज भी वहाँ अंबेडकर हाउस से LSE तक एक वार्षिक पैदल यात्रा होती है, उस पैदल यात्रा की याद दिलाती है जो बाबा साहेब ने लंदन स्कूल तक पहुँचने के लिए ली होगी। बाबा साहेब ने अंततः अपना प्रसिद्ध शोध द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी को पूरा किया। इसे अपने पर्यवेक्षक एडविन कैनिंग, जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर थे, उनको समर्पित किया। उनकी थीसिस बाद में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में प्रभावशाली रही और माना जाता है कि अंबेडकर लंदन स्कूल से डॉक्टरेट प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। लंदन स्कूल के रजिस्टर में भी बाबा साहेब की एंट्री देखी जा सकती है, जिसमें सब ग्रेजुएट हुए स्टूडेंट्स का नाम लिखा जाता है। 1930 के दशक में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, उस समय के भी कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जो एग्जिबिशन में है, जैसे बाबा साहेब ने वहाँ के बड़े लेबर राजनेता सर जॉर्ज लैंसबेरी को खत जो लिखे थे। उस समय अंग्रेजी सरकार की जो संयुक्त संसदीय समिति थी, उसने जो डिप्रेस क्लास के हक बचाने के लिए कार्य नहीं किए थे, उसकी आलोचना करते हुए बाबा साहेब ने जो खत लिखे। जब कॉन्फ्रेंस के लिए बाबा साहेब UK भी गए 1930 के दशक में, तो वो अपने कई पुराने साथियों से मिले। उनके PhD के सुपरवाइजर एडविन कैनन ने गांधी और अंबेडकर के बीच के टकराव पर भी रोशनी डाली, कैसे बाबा साहेब जाति का विनाश और सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे, वहीं दूसरी ओर गांधी हिंदू धर्म में केवल सुधार चाहते थे। उन्होंने लंदन स्कूल के डायरेक्टर विलियम बेवरिज से भी कहा कि आप अंबेडकर की बात ज़रूर सुनिए, मैंने हमेशा कहा है कि वो हमारे समय में अब तक के सबसे सक्षम भारतीय हैं। प्रदर्शनी में बाबा साहेब के संविधान रचयिता होने और बुद्धिज्म अपनाने पर भी लिखा हुआ है। ये 1950 की फोटो जो आप देख रहे हैं, वो संविधान के पार्ट 6 द स्टेट्स इन पार्ट A ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल का पहला पन्ना है। लंदन स्कूल में बाबा साहेब की प्रतिमा, उनकी पोर्ट्रेट और उनके महापरिनिर्वाण के बाद अखबारों में छपे शोक संदेश की क्लिपिंग्स भी मौजूद हैं। तो ये था बाबा साहेब की एग्जीबिशन का पूरा टूर। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की वेबसाइट पर जो एग्जीबिशन लगी है, उसका हमने आपको पूरा टूर करा दिया है, लगभग पूरा टूर करा दिया है। थोड़ा बहुत और जानकारी है वहाँ, काफ़ी बहुत डिटेल्स में लिखा है, आप चाहे तो उनकी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की वेबसाइट की एग्जीबिशन में हम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप डायरेक्ट जाके आप देखना चाहे तो, और डिटेल में और रिसर्च इस पे और पढ़ना चाहे तो ज़रूर आप बताइए। आपको हमारा ये विश्लेषण, ये वीडियो कैसा लगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, लाखों लोगों तक लेके जाइए ये बात, ये अपन दस्तावेज जो है इनके बारे में सबको, इन फ़ोटोज़ के बारे में सबको पता ज़रूर लगना चाहिए। ये बहुत प्रेरणादायक एग्जीबिशन है। आप वीडियो को शेयर करने के साथ ही हमारे चैनल द न्यूज़ बीक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए, जैसे ही हम कोई महत्वपूर्ण वीडियो करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए। जय भीम।